नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है 956 प्लस 479 का स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का स्क्वायर भागे 956 गुणे 956 प्लस 479 गुणे 479 को सरल कीजिए। ठीक है, प्रश्न ए है। अब ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षा में आ जाते हैं और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इस प्रश्न को कैसे करना है। इस प्रश्न को सरल करने की बड़े ही शॉर्ट ट्रिक होती है, बड़े ही सिंपल ट्रिक होती है, और अगर आप नॉर्मल मेथड से करने बैठ जाएं तब तो हो गया आपका सॉल्व। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको सूत्र के माध्यम से सॉल्व करना होता है। अब यहाँ क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब इस सूत्र को हम सॉल्व करते हैं तो आंसर निकल के क्या आता है, आंसर आता है 2a² प्लस b². ठीक है, यानी जब हम इस ऊपर के दोनों इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2a² प्लस b² रख देंगे, दो रहेगा बाहर। a की वैल्यू कितनी है, 956 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितनी है, 479 का स्क्वायर। बात अगर नीचे करते हैं, 956 गुणे 956 क्या हो जाएगा, 956 का स्क्वायर, 479 क्या हो जाएगा, 479 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक जैसा दिख रहा है, काट दीजिए, आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को नहीं सीखते या यह फॉर्मूला आपको नहीं बनता है, इन फॉर्मूले से इसको आप सॉल्व नहीं करते हैं, तो आपका आंसर आने में बहुत ही देर लगेगी। आ तो जाएगा लेकिन बहुत ही गुणा भाग करना पड़ेगा जब आपका आंसर निकल के आएगा। लेकिन अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र पता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस का 2ab माइनस के 2ab से कट जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a² प्लस b². तो हमने उसी को यहाँ पर रख दिया, नीचे वही कंडीशन बन रही थी, सॉल्व कर दिया, काट दिया, आंसर निकल के आ गया 2। ठीक है, प्रश्न बड़ा ही सिंपल था लगाने वालों के लिए, और जिसने कभी लगाया नहीं होगा, कभी सीखा नहीं होगा, तो बहुत कठिन है। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।